आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हुसैम काजी। आए डालते हैं नजर अहम सुर्खियों पर। गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तान की शिबिया को खराब करने का राहुल पर इल्जाम। मुतनाजा बयानात पर कांग्रेस लीडर की गिरफ्तारी के मुतालबात हुए तेज। अगर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बेरोजगार हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मुल्क का नौजवान भी होगा बेरोजगार। तमिलनाडु भाजपा सरबरा अन्नामलाई का राहुल पर हमला। प्रियंका गांधी ने WFI के सदर ब्रिजभूषण के खिलाफ दायर FIR में दर्ज इल्जाम की तफसील शेयर करते हुकूमत की बेअमली पर उठाया सवाल। कहा, मोदी जी इन संगीन इल्जाम को पढ़ें और बताएं मुल्क के मुलजमीन के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई। भाजपा UT चीफ रविंदर रैना ने राहुल गांधी की हुबुल वतनी पर उठाया सवाल। कहा, राहुल गांधी नहीं कोई सियासी लीडर बल्कि लगते हैं हिंदुस्तान के किसी दुश्मन लीडर की तरह। इमरान खान ने नैब के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा दायर करने का किया फैसला। कहा, गुज़श्ता माह उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी और बदनीयति थी जिससे उनकी साख पूरी तरह हुई है मुतासिर। लॉ कमीशन ने वजारत कानून को रिपोर्ट पेश करने के साथ ही दी तजवीज। कहा, बगावत का कानून है जरूरी, ताहम सजा भी चाहिए बढ़नी। अगले साल मार्च तक जम्मू कश्मीर में 129 सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज किए जाएंगे कायम। LG मनोज सिन्हा की यकीन दहानी। कहा, 5 इजला में 50 बिस्तरों के होंगे मरबूत आयुष अस्पताल। कठुआ में गैर कानूनी तौर पर मॉल को किया गया मनहदम। मॉल मालिक का इल्जाम। कहा, सामाजिक कारकुन के बार बार एहतजाज के बाद तोड़ी गई इमारत। जम्मू केसी लॉ कॉलेज आला तालीम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के असूलों कानून की कर रहा खिलाफ वर्जी। तलबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इदारे की खोली पोल। जिला राजौरी के दसल गुजरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजू के दरमियान मुख्तसर तसादम आरई। फिल वक्त एक जंगजू हलाक जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन रहा जारी। अब खबरें तफसील के साथ। वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में हाल ही में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग की सेकुलर नोयत का दिफा करते हुए एक सहाफी के सवाल का जवाब दिया जिसमें BJP और मुस्लिम लीग का मुआवजना किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है, इसमें कोई गैर सेकुलर नहीं है। उन्होंने रिपोर्टर से ये तक कह दिया कि उसने मुस्लिम लीग के बारे में अच्छे से मुताला नहीं किया है। वहीं राहुल गांधी के बयान ने हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया है। बहुत से लोगों ने इस बात पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि वो मुल्क के साख को दागदार करने वाले तबसरों में मसरूफ हैं। जहां एक तरफ उनके बयानों की मजम्मत हो रही तो दूसरी जानिब राहुल की गिरफ्तारी के मुतालबात भी सामने आए हैं। लोगों की एक काबिल जिक्र तादाद इसलिए जवाबदेही का मुतालबा कर रही है जिसके बारे में वो समझते हैं कि कौम को काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें, राहुल गांधी के इस दावे ने कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है सियासी हलकों में बहस और मुबासे को हवा दी है। मुमताज सियासतदानों के तबसरे तनाजात को जन्म देते रहे हैं और सियासी मंजरनामे को मजीद तेज करते रहे। Says you were talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तमिलनाडु BJP सरबरा अन्नामलाई ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस लीडर बेरोजगार है इसका ये मतलब नहीं कि मुल्क के नौजवान बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में जनूबी रियासतें BJP के लिए ब्रेकआउट होंगी, खासतौर पर तमिलनाडु और तेलंगाना में कर्नाटक और केरला के साथ। TNP BJP के सरबरा ने कहा कि तरक्की और मोदी अंसर 2024 के इंतखाबात में पार्टी की जीत में अहम किरदार अदा करेगा। ख्याल रहे अन्नामलाई ने टारगेट 2024 पर पूछे गए सवाल जिसमें पूछा गया था कि जनूबी रियासत में कौन जीतेगा का जवाब देते हुए ये बात कही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इल्जाम के हवाले से एक खबर का हवाला देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा है कि मुलजिम को क्यों तहफ़ फराम किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर पर लगाए गए इल्जाम को ट्वीट किया और वजीर आजम से सीधा सवाल किया। नरेंद्र मोदी जी, इन संगीन इल्जाम को पढ़ें और मुल्क को बताएं कि मुलजमों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी रोजनामे में इस बारे में एक तफसीली खबर भी पोस्ट की है, जिसमें कहा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से छेड़छाड़ के कम से कम 10 केसेस का तफसील से जिक्र है। खबर में कहा गया है कि इसके अलावा कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें ख्वातीन खिलाड़ियों को प्रमोट करने के इवज गैर अखलाकिया मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा है कि अमेरिका में उनके तबसे हिंदुस्तान के दुश्मनों से मुशाबत रखते हैं और ये कि उन्हें वहां रोनमा होने वाले ड्रामा की कीमत उठानी पड़ेगी। बीजेपी ने गांधी के 6 रोजा दौरे मुल्क के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकज की बरसर इक्तदार हुकूमत को निशाना बनाने वाले अमरीका में उनके तबसर पर तनकीद की है। राहुल गांधी जिस तरह बोलते हैं, इससे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी सियासी पार्टी के लीडर हैं, ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की किसी दुश्मन ताकत का लीडर है। रानी ने अमरीका में राहुल गांधी के रिमार्क्स पर कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ मुल्क के दुश्मन ही गैर मुल्की सरजमीन पर ऐसे रिमार्क्स देते हैं, वो मुल्क से दारी और दुश्मनी कर रहे हैं और मुल्क ये ड्रामा देख रहा है। रैना ने मजीद बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसकी कीमत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबरा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि उन्होंने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब के चेयरमैन के खिलाफ 15 अरब रुपए का हदके इज्जत का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। ये बात उन्होंने हालिया ही अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कही, जिसमें उन्होंने नैब के चेयरमैन को कानूनी नोटिस भेजने का दावा किया है। इमरान खान ने मजीद ये भी दावा किया है कि इनके वारंट गिरफ्तारी आम तातील पर जारी किए गए थे और इसे 8 दिन तक राज में रखा गया। उन्हें अलकादर ट्रस्ट केस की इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने के बारे में भी नहीं बताया गया था। इमरान खान ने अपने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि नैब ने ऑर्डिनेंस की सेक्शन 24 में दी गई शराइत को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरे वारंट गिरफ्तारी का तरीका और इस पर अमल दरामद गैर कानूनी और गैर आइनी है। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, जिसने मुझे वहशाना तरीके से निशाना बनाया। इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि इन कार्रवाइयों का मकसद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करके उन्हें बदनाम करना और दुनिया को दिखाना है कि उन्हें करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो सालाना 10 अरब रुपए खैरात में जमा करते हैं और इनकी साख पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। लॉ कमीशन ने गद्दारी के कानून की हिमायत की है और कहा है कि वक्त बताएगा कि 152 साल पुराना गद्दारी का कानून खत्म होगा या नहीं। लॉ कमीशन ने इस कानून को मुस्तकबिल में बरकरार रखने की सिफारिशात करते हुए अपनी रिपोर्ट वजारते कानून को पेश कर दी है। कमीशन ने कहा कि ताजिरात हिंद की दफा 124A को बरकरार रखने की जरूरत है, इसे हटाने की बजाहिर कोई वजह नहीं है। दाखिली सलामती के खतरात और मुल्क के खिलाफ जरायम को रोकने के लिए इसकी दफात में कुछ तरमीम की जा सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर में 24 मार्च तक 129 सेहत और फलाह बहबूद के मराकज को फाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीम के तहत 17 नई आयुष डिस्पेंसरी को फाल बनाया गया है और जारी माली साल से मजीद 17 डिस्पेंसरी को फाल बनाया जाएगा। मजीद बोलते हुए LG सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के 5 जिला बाशमूल कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और सांबा में हम 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल कायम करेंगे। जिला कठुआ के शहीदी चौक में जुम्मे की अलग सुबह गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए शॉपिंग मॉल को मनहदम किया गया, जिसके बाद मकामी लोग इंतजामिया की इस कार्रवाई की मुखालफत करते हुए सड़कों पर उतर आए। वहीं मॉल के मालिक ने इल्जाम लगाया है कि एक समाजी कारकुन के बार बार एहतजाज करने के बाद भी इमारत को गिराया गया है। इमारत मालिक ने मजीद बोलते हुए कहा है कि शहर में और भी गैर कानूनी तौर पर तामीरात हुई हैं, मगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन यहाँ बगैर किसी नोटिस के इमारत को झटके में मिट्टी में मिला दिया। इंतजामिया के इस कदम पर लोगों में काफी गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतर आए और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी कर बरहमी का इजहार कर रहे। आप हमारे ऑफिस में क्यों नहीं आए? DC साहब के ऑफिस में। हम इधर ऑफिस में आए तो इन्होंने इधर इतनी तारें लगाई थी और इतने 10-20-50 लोग इनके पुलिस के अधिकारी थे कि हमें अंदर आने नहीं दिया। फिर कहते हैं आप हमारे पास आए क्यों नहीं। फिर हम उसके बाद हमें कालीबड़ी में जाकर
धरना देना पड़ा। जब हमने एक घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे हो गए, तो फिर जाके या प्रशासन या उधर हमारे पास आए। मुझे ये बताइए, ये तो अंधेरगर्दी है। जो अनलीगल जो जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई हैं, अगर एक बिल्डिंग है तो जो बाकी की 50, 100, 200 हज़ार बिल्डिंग है इधर, जो किसी के पास नक्शा भी नहीं है, तो उनको भी तड़वाइए, फिर कल से उनका काम भी शुरू कर दीजिए। ये थोड़ा कि एक आदमी पे कानून है और बाकियों पे नहीं है। अब आप मिले डीसी कठुआ से, क्या कहना? कुछ नहीं कहे, उन्हें लाली पॉप देने की कोशिश की हमें उन्होंने, फिर लाली पॉप लो और घर के चले जाओ। तो ये ऑनर है, वो क्या लगते हैं? ऑनर मेरे भाई साहब हैं छोटे, हम दो ही भाई हैं। सुबह से लापता है वो, हमारे पीछे लगे हैं ये, लेकिन उनको ढूंढने के पीछे कोई नहीं लगा हुआ। नहीं हुई है ऐसे, बस जिस हिसाब से हमें लॉलीपॉप दे के बाहर भेज दिया, तो इसमें हमें कुछ वो नहीं मिला है, रिलीफ नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हमारा आगे बढ़ता रहे। क्या अपनी क्या डिमांड है? हमने यही रखी कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, प्लस हमारे पापा को फटाफट ढूंढा जाए और उनको हमें हमारे घर तक पहुँचाया जाए। इन्होंने गायब किया हुआ उनको, कोई लेटर भी छोड़ा है? हाँ जी, उन्होंने लेटर में लिखा है उन्होंने कि अभी मेरे को मेंटल हरासमेंट है, जिसमें मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। और मैं जहाँ से किन लोगों का नाम लिया उसमें उन्होंने बल्लू प्रधान, बिट्टू और डीसी साहब का नाम लिया। अब क्या चाहते हैं आप? अगर नहीं मान जिस तरह मानिए, ये आगे ट्रस्ट आगे बढ़ेगा और ये हम अपनी लड़ाई जब तक डीसी यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता या सस्पेंड नहीं होता तब तक। जम्मू केसी लॉ कॉलेज के तलबा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने केसी लॉ कॉलेज की इंतजामिया पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उनसे इजाफी फीस ली जाती है और कुछ पैसे उनसे इन सहूलियात के लिए लिए जाते हैं जो कभी उन्हें फराहम भी नहीं की जाती। तलबात का मजीद कहना था कि इंतजामिया आला तालीम के असूलों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है और बच्चों से इजाफी फीस बटोर रही है। गांधी है, मैं स्टूडेंट हूँ केसी लॉ कॉलेज का। मेरे साथ शिव सिंह परिहार और करणजीत मेरे राइट पे बैठे। मुझे दुख से कहना पड़ता है, जो ग्रीवेंसेस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, उस ग्रीवेंसेस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही सॉल्व कर देनी चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें आज आप लोगों के सामने आना पड़ा कि केसी लॉ कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतनी इनकम्पिटेंट थी कि हमारी ये छोटी से जो हमारे स्टैचूटरी राइट्स हैं, जो हमें यूनिवर्सिटी स्टैचूज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008, उन सब में दिए हुए हैं, उनका वायलेशन कर रहे हैं ये। और साथ ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन एट लॉ कॉलेजेस शट डोज दैट लैक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और आप देखें जब हम ये आवाज उठाने जाते हैं किसी लॉ कॉलेज के सामने, तो उनका कहना है कि बार काउंसिल आती है इंस्पेक्शन करने और इन द फॉर्म ऑफ फाइन हमसे ब्राइब लेकर चले जाते हैं। आज ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने हमें हमेशा प्राउड फील कराया है, ना सिर्फ एडवोकेट्स के लिए बल्कि लॉ स्टूडेंट्स के भी। क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड ये है कि हमारी फीस की कटौती की जाए, हमें जो स्टैचूटरी राइट्स है जो हमारे वायलेट किए जा रहे हैं वो हमें मिले। जम्मू और कश्मीर के जिला राजौरी के दसल गुजरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान मुख्तसर तसादम अराई में एक जंगजू मारा गया। जराये ने बताया कि फील वक्त एक जंगजू की लाश बरामद हुई, जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। इसी बीच एक दिफाई तर्जमान ने बताया कि फौज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने राजौरी के नजदीक दसन गुजरा जंगलाती इलाके में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब मशकूक नकलो हमल देखने के बाद वसी पैमाने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब उनको चैलेंज किया तो उन्होंने फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ जो वक्फे से रात भर जारी रहा। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुबह फूटते ही इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू में नर्सिंग कॉलेज के तलबा और तालबात अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि अदारे ने इन तलबा से इजाफी फीस ली है। एहतजाज कर रहे तलबा ने नाराबाजी करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई और इजाफी फीस को वापस करने का मुतालबा किया है। सर, मेरा नाम तौसीफ वानी है, हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल में पढ़ते हैं, जो अंडर जीएमसी आता है। सर, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी के, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर के बच्चे हैं, तो सर हमारा इशू ये है कि हमसे सर गलत फी ली गई है, गलत आर्डर पे। हमारा सर जो कॉलेज है ये अंडर हेल्थ के आते, तो इन्होंने सर हमसे हायर एजुकेशन का फी वो उस आर्डर के हिसाब से सर गलत फी ली है। जब सर हम प्रिंसिपल मैम के पास गए, प्रिंसिपल मैम ने बोला कि
यूनिवर्सिटी ने गलत फी ली थी आपसे, हमें पता नहीं, हमने फिर वही एप्लीकेबल आप पे की। जब सर हम सेक्रेटरीट गए, सेक्रेटरीट वालों ने इनको बोला कि आपने गलत कैसे फी ली है, इन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई सर, इन्होंने अगर मतलब फिर वो आर्डर हम पे अप्लाई किया इस साल सर, हमें वही 4000 पकड़े। 2017 का आर्डर है HMEA 595, 2017 का जो आर्डर है इन्होंने उसमें ये साफ साफ लिखा है 2017 से आपका जो फी है वो यही है, जबकि सर जो कश्मीर में नर्सिंग कॉलेजेस है उनका भी सेम यही फी है 10,000। लेकिन सर जम्मू के जो कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, इनमें 70,000 लिए जाते थे, जैसे सर प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी 70, उसे सर बेटर था हमें सर फिर वही जाना था प्राइवेट कॉलेजों में, वहाँ पे सर सबसे मतलब हर कुछ मतलब फैसिलिटी हर कुछ अवेलेबल होती है, हमारे पास सर अभी कुछ भी नहीं है कॉलेज में। और सर हम ये मांग करते हैं, अगर सर सेक्रेटरीट हम गए, सेक्रेटरीट वालों ने बोला आपको GMC प्रिंसिपल मैम रिफंड फी करेगी, हम सर डायरेक्टर के पास गए, हम सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए, इन्होंने मीटिंग की इनके साथ कि आप एक काम करो इनको रिफंड कर लो। सर बीच में इन्होंने इशू लाया कि स्कॉलरशिप का, अब जब सर हम बोल रहे हैं बच्चे, हमारे क्लास में 4 बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है, सेकंड ईयर में 4 बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है, जितने भी बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है आप उसको काटो, लेकिन बाकी आप हमें आर्डर दे दो। सर इन्होंने हमसे पहले डिटेल्स कलेक्ट करवाई कॉलेज में, अब सर कल जब हमने 29 को रिप्रेजेंटेशन दी है, ये कल हमें प्रिंसिपल मैम बोलती है कि आपको और एक परफार्मा आया, आपको फिर से वो डिटेल्स देनी है। तो सर हम मतलब हर बार बार थोड़ी ना सर वही डिटेल्स देते रहेंगे, हमने एक महीने पहले डिटेल्स दी है। हमारी मांग सर इतनी है, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर के, रियासी के, उधमपुर के, जितने भी सर उधमपुर यहाँ नहीं आ सका वो बिकॉज सर वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो जितने भी सर यहाँ पे बच्चे हैं सब ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जब तक हमें आर्डर नहीं निकलता है सर, अगर मतलब ये आर्डर निकालेंगे इतना, हमें सर आज फीस नहीं चाहिए, हमें 10 दिन के बाद दे दो, लेकिन सर हमें रिटर्न में लिख के दो कि आपका फी रिफंड हो जाएगा बस। उर्दू खबरनामे में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7।